कल 69वें जन्मदिन के मौके पर लॉन्च होगी हेमा मालिनी की बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। बॉलीवुड के कलाकार ऋषि कपूर, करण जौहर और रेखा जैसी कई सेलिब्रिटीज की जिंदगी पर आधारित किताब बन चुकी है और अब इस कड़ी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम भी शामिल होने जा रहा है। हेमा मालिनी की इस बायोग्राफी का नाम बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है। इसे हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है। कल सोमवार को हेमा के 69वें जन्मदिन के मौके पर इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि उनकी आत्मकथा में उन सवालों का जवाब रीडर्स को नहीं मिल पाएगा जिनके बारे में पिछले 4 दशकों से खूब गॉसिप्स लिखे गए। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटों सनी बॉबी देओल से हेमा के रिश्तों पर आत्मकथा में कुछ नहीं लिखा गया है। किताब में सनी बॉबी और उनकी माँ प्रकाश कौर के जिक्र से जुड़े हमारे सवाल पर उन्होंने बताया, किताब हेमा की जिंदगी पर है इसलिए इसमें तमाम दूसरी चीजें शामिल नहीं की गई है। हेमा की किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रस्तावना लिखी है। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। ऐसा कहा जाता रहा है कि धर्मेंद्र के दोनों परिवारों में आपसी रिश्ता काफी नाजुक है। हेमा की बेटियों की शादी के दौरान भी यह नजर आया था। सनी और बॉबी बहन की शादी में शामिल नहीं हुए थे। इसे परिवार के अंदर धर्मेंद्र की पर्सनल हार के तौर पर देखा गया। पिछले साल एक इंटरव्यू में पहली बार प्रकाश कौर ने भी धर्मेंद्र से दूसरी शादी करने को लेकर हेमा ने सवाल खड़े किए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, अगर मैं उनकी हेमा मालिनी जगह होती तो कभी ऐसा धर्मेंद्र से शादी नहीं करती। प्रकाश ने यह भी कहा था, धर्मेंद्र भले ही अच्छे पति न हो लेकिन वो एक अच्छे पिता जरूर हैं।